नारियल का लड्डू बनाने के लिए ताज़े नारियल को बारीक घिसकर 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर सूखा भूनेंगे। नारियल के सफ़ेद भाग का ही इस्तेमाल करेंगे। नारियल को भूनते समय लगातार चलाते रहें ताकि ये जले ना। भून लेने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लें। अब उसी कढ़ाई में मावा ऐड करें, साथ ही ऐड करेंगे भुना हुआ नारियल, शक्कर और इलायची पाउडर। इन सभी को अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। यह सारी चीज़ों के अच्छे से मिक्स हो जाने तक भूनें। मैंने इसमें घी ऐड नहीं किया है, यदि मावा ड्राई लगे तो इसमें घी ऐड करें। भून लेने के बाद इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे। अब मावे से एक भाग लें और उसे गोल शेप देकर लड्डू बनाएं। लड्डू बनाने के लिए मावा गर्म होना चाहिए, तभी लड्डू अच्छे से बंधेंगे, पर मावा उतना ही गर्म हो जिसे आप छू सकें। लड्डू बना लेने के बाद इसे भुने हुए नारियल के ऊपर रोल करें। सारे लड्डू इसी तरह से तैयार करेंगे। राखी पर लड्डू की इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें, और यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।